नागदा में 50 साल से निवास कर रहे लोगों को रेलवे ने नोटिस थमाया। इससे 15,000 लोग प्रभावित होंगे। ऐसे में चूल्हे की झोपड़ी में रहने वाले लोगों को मुसीबतें और बढ़ जाएंगी, क्योंकि पिछले साल कोरोना की वजह से इन लोगों को खाना खर्चा चलना मुश्किल हो रहा था। कई परिवार कर्जे की गर्त में डूब गए थे। ऐसे में नोटिस ने उनकी मुसीबतें और ज्यादा बढ़ा दी है। सबसे बड़ा सवाल ये कि नगर पालिका झुग्गी झोपड़ियों के सामने रोड, नल, बिजली कनेक्शन और हर सुविधा मुहैया करा रही थी, फिर भी रेलवे के अधिकारियों ने इन पर दबाव बनाया कि 15 दिन में ही सब झुग्गी झोपड़ी खाली करें। अपनी समस्या लेकर कांग्रेस कमेटी के सदस्य बसंत मालपानी के पास सैकड़ों परिवार के लोग पहुंचे। अधिकांश परिवारों को रेलवे नोटिस थमाकर जगह खाली करने का। इस नोटिस से क्षेत्र के लगभग 15,000 लोग होंगे। नोटिस का जवाब 7 से 15 दिन में देने को कहा गया है। इसको लेकर सैकड़ों क्षेत्रवासियों ने नगरपालिका भवन पहुंचकर सांसद अनिल फिरोजिया के नाम एक ज्ञापन सौंपा। क्षेत्र में लगभग 3 से 4 पर लगभग 10 से 12 हजार पिछले सालों से निवास कर रहे हैं। कांग्रेस कमेटी के सदस्य बसंत मालपानी ने चित्र संबंध में कार्यवाही कर क्षेत्रवासियों को राहत दिलाई जाए और की गई कार्यवाही करें, अन्यथा राज्य शासन एवं केंद्र शासन के खिलाफ हित जाएगा। नगरपालिका से हम लोगों का एक प्रतिनिधिमंडल उनसे मिलने गया था, तब भी हमने आपके विषय को लेकर डीआरएम से बात की। आप निश्चित मानिए, अब क्योंकि आप हमारे आदरणीय बसंत भाई के साथ सब लोग यहाँ आए हैं, आप सबका स्वागत है और आप जो मांगे वो बिल्कुल जायज बात है, तो कोई नाजायज बात अब कहीं भी नहीं है। तो भारतीय जनता पार्टी के सारे जनप्रतिनिधि, चाहे माननीय सांसद जी हों, हमारे पूर्व विधायक हों, जितना हमारा कैडर है, जितने वरिष्ठ हों, सबका प्रयास रहेगा। नगर पालिका में सोचना चाहता हूँ, इस नोटिस में कहा गया है कि 15 दिन के अंदर जवाब दो या फिर अपना मकान तोड़ो, यहाँ से हटो। तो हमने ज्ञापन में भी कहा है आदरणीय प्रकाश जी कि 15 दिन के अंदर नगर पालिका, सांसद महोदय और जो भी जनप्रतिनिधि है उनके द्वारा क्या कार्रवाई की गई है। अगर आप लोग इस बात को एक दो दिन में गंभीरता से नहीं लोगे तो इस बात को यकीन मानिए कि रेलवे इन लोगों पर कार्रवाई कर दे।